नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स के सवाल पेपर के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया है। ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आईएएस के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होता है ये, ठीक है ना। तो इस बुक के मैं पांचवें संस्करण के बारे में बात करूंगा, जो कि 2021 का न्यू एडिशन है। और ये बुक इस बुक में सीसेट के भी पेपर सॉल्व किए गया और जनरल स्टडीज जो पेपर वन होता है उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। सभी को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। अगर हम बात करें इस बुक के प्राइस के बारे में, तो इस बुक का जो प्राइस है 340 रुपये प्राइस है इस बुक का। और ये बुक मुझे मिल गया 40% के डिस्काउंट पे, 204 रुपये में मुझे ये बुक मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत का इतिहास खंड एक में जो प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर होता है उसको कवर किया गया है। अब खंड दो में अगर आप देखेंगे तो सीसेट के जितने भी पेपर हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक उनको कवर किया गया, मतलब 5 साल के प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व किया गया। खंड एक में अगर आप देखेंगे सामान्य अध्ययन में, खंड एक में, तो भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मिसलेनियस, ठीक है। अगर हम पहले टॉपिक के बारे में बात करें यहाँ पे, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ देखिएगा कला एवं संस्कृति इसमें पहला टॉपिक आता है। तो कला एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन 2020 में बने उसको यहाँ सॉल्व किया गया। ये क्वेश्चन जैसे देखिएगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर आपको फिर बताया गया, उसके आप व्याख्या दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, फिर उसका व्याख्या दिया गया, ठीक है। तो जितने भी 2020 में कला संस्कृति से क्वेश्चन बने उनको उन्होंने एक साथ कलेक्ट किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2019 का यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा कला संस्कृति का, ठीक है। और वहाँ सामने सामने आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। जो दृष्टि होता है वो आईएएस के एग्जाम के लिए बेहतर बुक होता है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को भी अरेंज किया है। तो 2015 हो गया, 2016 हो गया, 2020 से लेके 2010-11 तक के भी क्वेश्चन को इन्होंने इस बुक में रखा हुआ है, ठीक है। 2012 हो गया, 2011 हो गया, उसके बाद प्राचीन भारत आ गया, ठीक है। कला संस्कृति के बाद प्राचीन भारत 2020 का क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे। उसके बाद 2019 हो गया, 2016 हो गया। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया है, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अरेंज करके उनका सॉल्यूशन सामने सामने दिया हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप आसानी से सॉल्यूशन भी देख ले, क्वेश्चन को भी समझ ले, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दोस्तों क्वेश्चन को अरेंज किया है और सीक्वेंस में अरेंज किया है। सबसे पहले 2020, 2019, 2018 ऐसे करके इन्होंने सीक्वेंस में अरेंज किया है और टॉपिक वाइज अरेंज किया है, ठीक है। तो जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करें ऐसे ही जलवायु, देखिए जलवायु का 2017 का क्वेश्चन हो गया, हो सकता है कि 2020 में जलवायु से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, तो ये भी आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें सीसेट के बारे में, सीसेट के बारे में अगर हम बात करें तो सीसेट का देखिएगा पेपर इन्होंने कैसा दिया है। मैं आप लोगों को सीसेट का ही पेपर दिखाता हूँ, सीसेट जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, देखिएगा। सबसे पहले 2020 का सीसेट का सॉल्व पेपर इन्होंने दे दिया, 2020 का, ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर मैं दिखा रहा हूँ 2020 का है। और एक ही क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन पेपर ही पूरा दे दिया, ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर ही पूरा दे दिया है यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने सॉल्व किया है शायद, जैसे मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ, शायद सामने सामने ही सॉल्व कर दिया। जैसे ये पहला क्वेश्चन है पैसेज के बाद सामने ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। मतलब 1 से 100 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्होंने दे दिया और सामने सामने इसको सॉल्व भी कर दिया। तो यहाँ सीसेट का कंप्लीट पेपर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और जो पेपर वन होता है जीएस वाला, वो टॉपिक वाइज इन्होंने अरेंज करके दिया है। तो ये बुक दोस्तों प्रीलिम्स के, अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को खोज रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आईएएस में लास्ट 5 ईयर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बुक दोस्तों बहुत अच्छा साबित होने वाला आपके पास। तो अगर आप सिविल सर्विसेज का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो इस बुक को जरूर परचेज कीजिए। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया तो भी इस बुक को परचेज कीजिए, और उनको पता भी होगा जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं,
तो उनको पता भी होगा कि ये बुक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा, किसी नए बुक के बारे में रिव्यू आप लोग को चाहिए होगा, तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।